जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूँ राखी राजपूत और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सब जो मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरे चैनल पर अपने कमेंट्स करके मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, इस सब के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आज का ये वीडियो खासकर महिलाओं के लिए है, हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए और बेटियों के लिए है, जो मैं बनाने जा रही हूँ। दोस्तों, हम जब पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक हम इस संसार से चले नहीं जाते, तब तक हम दूसरों की खुशियों के लिए ही काम करते रहते हैं। बेटी है, उसने जन्म लिया, जब वो थोड़ी समझदार हुई तो अपनी माँ बाप की खुशी के लिए, फिर जब उसकी शादी होती है तो अपनी पति की खुशी के लिए, और जब उसके बच्चे होते हैं तो फिर अपने बच्चों की खुशी के लिए। उसका सारा जीवन एक त्याग, एक बलिदान, और सारा जीवन ये त्याग और बलिदान करते ही करते निकल जाता है। वो कभी अपनी खुशी पर ध्यान नहीं देती, वो कोशिश करती है कि उससे जुड़ा हुआ परिवार, उसके माँ बाप, उसके पति, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, उससे कनेक्टेड सारे लोग हमेशा खुश रहें। और वो अपनी खुशियों का बचपन से ही उसको सिखाया जाता है और वो गला घोटती चली आती है। पर दोस्तों, आप दूसरों की खुशियों का ख्याल रखें, बहुत अच्छी बात है, सबको रखना चाहिए, हमारी यही संस्कार हैं और हमने यही सीखा है, क्योंकि हम इस भारतवर्ष में पैदा हुए। और भारतवर्ष की नारी, जो कि अपने गुणों के लिए जानी जाती है, उसको सबसे पहले अपने से जुड़े हुए लोगों का और समाज का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इन सब के साथ साथ उसे अपना भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते हमारी कब खुशियां बलि चढ़ जाती हैं, कब हमारी एक्टिविटी जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। आज हम जो करना चाहते हैं हम वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें हमें अच्छा लग रहा है, हमें सुकून मिल रहा है, वो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो चीज़ दूसरों को पसंद नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम अपने भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, बच्ची हैं, आपकी पत्नी है या बहन है, जो भी है, उसे जो पसंद हो उसे करने दें, उसे खुश रहने दें, क्योंकि बहनों का भी, महिलाओं का भी, स्त्रियों का भी हक है खुश रहने का। जिस तरह पुरुष स्वतंत्रता से काम करते हैं, वैसे ही महिलाओं को भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। पर स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप अपनी सास से लड़ें, अपनी नंद से लड़ें, अपने रिश्तेदारों से लड़ें। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप कुछ अच्छा करें, इस समाज को कुछ अच्छा दें, अपने घर को कुछ अच्छा दें, अपने परिवार को कुछ अच्छा दें, और अपने अंदर का जो भी आपके अंदर महिला छुपी हुई, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं और हर महिला के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, उसे आप उभारें। देखिए, मैं हूँ तो जिस तरीके से, वैसे मैं एक राजनीतिक महिला हूँ, मैं बिजनेस भी करती हूँ, और देखिए आपसे यूट्यूब पे आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ, अपनी समाज की प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, समाज के लिए भी काम करती हूँ, और अपने घर के लिए भी काम करती हूँ, रोटी भी बनाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, झाड़ू भी लगाती हूँ, पोंछा भी लगाती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ, अपने पति का ख्याल रखती हूँ, अपने से जुड़े सारे लोगों का ख्याल रखती हूँ। लेकिन फिर भी, इन सब के बावजूद भी, देखिए, अपने आप को खुश करने के लिए मैं गाना भी गाती हूँ, डांस भी करती हूँ, और आप सबके बीच में जुड़ी रहती हूँ, क्योंकि ये मुझे अंदर से अच्छा लगता है। ये कोई पैसों के लिए या मैं किसी दूसरी चीज़ के लिए नहीं करती, मैं अंदर से खुश रहने के लिए करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है गाना गाना, डांस करना, प्रेजेंटेशन देना, मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों, महिलाओं से मेरा यही कहना है कि अपने अंदर की प्रतिभा को दूसरों की खुशी के चक्कर में दबाए ना, दूसरों को खुश रखना जितनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी है, खुद को भी खुश रखना उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। तो लाइफ कब निकल जाती है हमें पता नहीं चलता, कब हम लोग लास्ट उस दौर पर आ जाते हैं जब सिर्फ हम पैसा कमाने में या घर की खुशियों को बांटने में लगे रहते हैं, और जब एक समय आता है हमें लगता है कि हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं, हमने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं, लेकिन उस समय पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता है, हमारी सारी लाइफ निकल जाती है और हम इसी लाइफ की माथापच्ची में लगे रहते हैं। तो समय रहते आप अपने पे ध्यान दें, सुधर जाएं और अपने को खुश रखें, अपने जो आपके अंदर एक्टिविटी है उसको उभारें और एकदम से खुश होकर पूरी एनर्जी के साथ कुछ करने में लग जाएं, और अपने अगले दिन को, अगर आप ये वीडियो आप तक मेरा पहुंच रहा है तो आज सुनने के बाद आपका अगला पल, आपका अगला
दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत शुभ जाए और आप अपने को जी सकें। मैं यही बाबा महाकाल से कामना करती हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।